योग का मतलब होता है जोड़ना, युज का मतलब जोड़ना, लकड़ी दो लकड़ी को जोड़ना है तो आप क्या करते हो, अपना उंगली डाल देते हो अंदर, जड़ वस्तु जोड़ती। अब अगर दो चेतन वस्तु को जोड़ना हो तो जोड़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, चेतन। यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो भगवान ने अर्जुन को आसन सिखाए थे क्या, तो कौन सा योग अभ्यास की बात कर रहे हैं है? उनके साथ योग का अभ्यास। क्या योग में तीन चीजें आती है, ध्यान रखिएगा। एक, योग का मतलब होता है जोड़ना, ये शब्द से आया, संस्कृत शब्द से किससे आया, युज से। किससे आया प्रभु जी, युज। युज का मतलब जोड़ना। तो योग का मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए क्या होती है, तीन चीजें चाहिए। एक, किसको किससे जोड़ना, दो चीजें होगी, किसको किससे जोड़ना, और तीसरी चीज किस कैसे जोड़ना, कैसे जोड़ना है ना जी। जड़ के लिए जैसे दो जड़ वस्तु को जोड़नी हो तो उसको जोड़ने वाली वस्तु भी क्या होगी, चेतन या जड़, जड़ नहीं होगी प्रभु जी, बताइए आप मुझे। दो लकड़ी को जोड़ना है तो आप क्या करते हो, अपना उंगली डाल देते हो अंदर, जड़ वस्तु जोड़ती। अब अगर दो चेतन वस्तु को जोड़ना हो तो जोड़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, चेतन। समझिए इस बात को। और चेतन चीज, ध्यान रखिएगा, चेतन चीज को अध्यात्म भी कहते हैं, और चेतन चीज कभी खत्म नहीं होती। क्या नहीं होती, आप बताओ क्या कोशिश कर रहे हो, जड़ को चेतन से कोशिश कर रहे हो जोड़ने की। क्या कर रहे हो प्रभु जी, जड़ को चेतन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी पॉसिबल ही, दोनों पदार्थ भिन्न है। दोनों पदार्थ क्या है, भिन्न है। और भिन्न पदार्थ कैसे है, तेल और पानी मिलाते रहो, मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण जो है वो भिन्न है। इसीलिए योगाभ्यास जो भगवान यहां सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं अर्जुन, तू अपने संबंध को मेरे संबंध में, तुझे जो मेरे साथ जुड़ना है, योग करना है, वो तू भूल गया है। और वो योग करने का तरीका क्या है, भक्ति। भक्ति का मतलब जानते हैं आप क्या है, प्रेम। भक्ति का शब्द का अर्थ क्या है, मेरा चिंतन कर, मुझसे प्रेम कर, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कारो। हमारे गुरु महाराज भक्ति शब्द को जहां भी बोलते थे वो अंग्रेजी में तीन वर्ड यूज करते थे, लविंग डिवोशनल सर्विस। क्या बोलते थे, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। वो कभी भक्ति शब्द नहीं बोलते थे, क्योंकि हम लोग ना भक्ति शब्द का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकालते हैं। हम जी रोज भक्ति करते हैं, क्या करता है, यो अठन्नी की अगरबत्ती चलाता हूं, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। हमें किसी चीज से भी कोई चीज को जोड़ना हो तो सेवा से जुड़ती है। एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर से किससे जुड़ता है, सेवा से। एक सर्विसमैन अपने बॉस से कैसे जुड़ता है, सेवा से। कोई भी चेतन व्यक्ति जब किसी चेतन व्यक्ति से जुड़ता है तो किससे जुड़ता है, सेवा से। और सेवा का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन करना, ये सेवा शब्द का अर्थ है। तो क्या हुआ, भक्ति का मतलब क्या हुआ, प्रेम। प्रेम क्या हुआ, चेतन के बीच में क्या होता है, प्रेम। क्या होता है प्रभु, मतलब आप जो जड़ से करते हो ना, इस शरीर से और मन से, ये प्रेम नहीं है। मैं आगे बता रहा हूं आपको, ध्यान पर सुनिएगा, ये काम है। 51,000, 21,000, 11,000 और ढेर सारे इनाम उनको मिलेंगे जो जीतेंगे गिव गीता द्वारा ऑर्गेनाइज्ड भगवद गीता ओलंपियाड। आपको बस देने होंगे भगवद गीता से संबंधित कुछ सवालों के जवाब। तो देर किस बात की है, आप अभी रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। और हाँ, पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है।